हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एक्सीलेंट सक्सेस ग्रुप। तो स्टूडेंट, आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 10 में चैप्टर 10 सर्कल के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 24 में दे रखा है, इन द गिवन फिगर एसी इज द डायमीटर ऑफ द सर्कल विद सेंटर ओ एंड ए इज अ पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। ए पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट इज टेंजेंट का, जिसमें एसी मेरा डायमीटर है। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, तो हमें बतानी है एक्स की वैल्यू क्या होगी। तो स्टूडेंट, अगर किसी सर्कल पे अगर कोई टेंजेंट ड्रॉ की जाए तो जो रेडियस होती है वो इस पर क्या बनाती है, परपेंडिकुलर बनाती है। तो जो मेरी ओ सी हाँ सी ए है, ये क्या बनाएगी, परपेंडिकुलर बनाएगी। किस पे, पी क्यू के ऊपर। ए सी परपेंडिकुलर होगा ऑन पी क्यू पे, जिसको मैंने थ्योरम 10.1 के अंदर प्रूफ किया था। थ्योरम 10.1 जिसके अंदर ये बताया जाता है कि जो नियरेस्ट पॉइंट होता है पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट का रेडियस के साथ में, वो उस पर परपेंडिकुलर डिस्टेंस बनाता है। तो मेरा जो ए सी है या ओ ए बोल लो, परपेंडिकुलर होगा। तो मेरा एंगल सी ए क्यू ये 90 डिग्री का होगा। सी ए क्यू इक्वल टू 90 डिग्री। बट इसके दो हिस्से हुए पड़े हैं, एक पहला हिस्सा मेरा ये वाला और दूसरा हिस्सा ये वाला। इसके दो पार्टीशन, पहले पार्टीशन का नाम है सी ए बी, सी ए बी प्लस में दूसरे पार्टीशन का नाम है मेरा बी ए क्यू। बी ए क्यू इक्वल टू है 90 डिग्री के। तो मेरा बी ए क्यू दे रखा मुझे 40 डिग्री, सी ए बी मुझे निकालना है इज इक्वल टू 90 डिग्री। प्लस का 40 उधर ही किसको आ जाएगा, माइनस का। तो ये वाला एंगल आ गया मेरा 50 डिग्री का। आने के बाद ये 90 डिग्री दे रखा है, अब ये बन गया मेरा ट्रायंगल बी सी ए। ये 50 डिग्री है, ये 90 डिग्री है और ये x है। तीनों एंगल का सम कितना होगा, 180 डिग्री। रीजन होगा एंगल सम प्रॉपर्टी। तो यहाँ लगा दूंगा मैं इन ट्रायंगल ए बी सी, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी, तीनों का जोड़ होता है 180 डिग्री। रीजन हो जाएगा एंगल सम प्रॉपर्टी, जिसके अकॉर्डिंग ट्रायंगल के तीनों का सम, तीनों एंगल का सम 180 डिग्री होता है। एंगल ए 50, बी 90 और सी मेरा है x। दोनों को जोड़ा 140 प्लस में x, ये प्लस का 140 इधर x को आ जाएगा, माइनस का 180 माइनस में 140। तो ये मेरी वैल्यू आ जाएगी 40 डिग्री, x की वैल्यू हो जाएगी 40 डिग्री। और इसी के साथ मेरा क्वेश्चन नंबर 24 यहाँ पे कंप्लीट होता है। अब हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 25 को। क्वेश्चन नंबर 25 में दे रखा है, इन द गिवन फिगर के एन के एन पी ए पी बी, पी ए पी बी ये मेरी क्या टेंजेंट है सर्कल की। प्रूफ करना है जो के एन है वो इक्वल है ए के प्लस बी एन के, के एन है वो ए के प्लस बी एन के इक्वल है। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए पहले मैं लिखता हूँ गिवन पार्ट, ए सर्कल विद सेंटर ओ जिसके मुझे दे रखे टेंजेंट। टेंजेंट एक तो के एन है, दूसरी पी ए और तीसरी पी बी, तीन टेंजेंट दे रखी है। और टू प्रूव करना है के एन इक्वल है ए के प्लस बी एन के इक्वल है, ये बात हमें प्रूफ करनी है। तो इसे प्रूफ करने के लिए हम यूज़ करेंगे थ्योरम 10.2 का, जिसमें ये बताया गया है कि अगर किसी एक्सटर्नल पॉइंट से किसी सर्कल पर टेंजेंट ड्रॉ की जाती है तो उनकी जो लेंथ होती है वो इक्वल होती है। मान लो ए बी और पी, तो मेरी जो लेंथ ऑफ पी बी इक्वल होगी पी ए के। ये थ्योरम 10.2 के अंदर बताया गया है, ठीक। इस थ्योरम का यूज़ करते हुए मेरे जो सर्कल है, सर्कल की देखो, जो ए के और के सी दोनों क्या होंगी, टेंजेंट होगी ए के और के सी। तो यहाँ लिखता हूँ मैं ए के इक्वल होगा मेरा के सी के, ठीक। और उसी तरीके से ये मेरा एक्सटर्नल पॉइंट होगा, मेरा सी एन और बी एन ये दोनों बराबर होंगे, सी एन बराबर होगा बी एन के। इसे नंबर वन मान लिया, इसे मैंने नंबर टू मान लिया। और ये किसके अकॉर्डिंगली होगा, बाय थ्योरम 10.2, जिसमें बोला ये गया है कि ड्रॉ टेंजेंट फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट आर इक्वल, कि एक्सटर्नल पॉइंट से ड्रॉ किए कि टेंजेंट क्या होती है, इक्वल होती है। अब इक्वेशन वन और टू दोनों को कर देंगे प्लस, ए के प्लस बी एन के सी इक्वल सी एन। तो ए के प्लस बी एन ये तो मेरा रहेगा एज इट इज, और के सी प्लस सी एन दोनों को जोड़ने पे क्या बन जाएगा, मेरा के एन बन जाएगा। और ये बात हमें क्या करनी थी, प्रूफ करनी थी।
इसी के साथ मेरा क्वेश्चन नंबर 25 यहाँ पे कंप्लीट होता है। उम्मीद करता हूँ स्टूडेंट आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं अगली वीडियो में। ओके, बाय बाय, थैंक यू।